अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। आई नो कि आप लोगों ने बहुत वेट किया क्योंकि विद इन 2 डेज वी हैव एक्चुअली अकॉम्प्लिश दिस ग्रुप। एनीवेज ड्यू टू रमजान बिजी एक्चुअली रूटीन, सो इट बिकम्स वेरी टफ फॉर मी टू एक्चुअली मैनेज द टाइम एंड टू मेक अ लेक्चर। सो जैसा कि आपको ऑलरेडी मैंने शेयर किया है कि आप मेरे जो रेन मार्टिन की बुक के लेक्चर्स हैं वो मेरे चैनल से आप वॉच करेंगे, उससे पहले आप सब्सक्राइब करेंगे। अगेन आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है मेरा चैनल लर्निंग विद शहबाज़ गुल, तो काइंडली इसको शेयर भी करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और साथ साथ सब्सक्राइब भी करें। तो इसी तरह मैंने आपको शेड्यूल दिया था कि उसके अकॉर्डिंग जो है वो मैं आपको वीडियो लेक्चर दूंगा और 1 घंटे का डिस्कशन आवर होगा जिसमें आप क्वेश्चनिंग जो है वो कर पाएंगे। एनीवेज तो सबसे पहला जो मेरा मतलब आपसे क्वेश्चन है कि आपके माइंड में भी होगा कि व्हाई आई हैव एक्चुअली सिलेक्टेड दिस बुक रेन एंड मार्टन इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन। तो मेरी बात सुने कि जो ग्रामर है या कंपोजिशन है इंग्लिश की या किसी भी लैंग्वेज की, ये एक की रोल रखती है लैंग्वेज लर्निंग में, स्पेशली राइटिंग स्किल के अंदर जो है वो बहुत बड़ा रोल होता है ग्रामर का। और अगर आप बेसिक्स के हवाले से बात करते हैं ग्रामर की, बल्कि मैं कहूँगा कि एट सम एक्सटेंट एडवांस्ड ग्रामर की बात करूँ, तो ये जो बुक है हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर रेन एंड मार्टिन की, एक ऐसी किताब है जो बच्चे और बड़ों दोनों के लिए बहुत बेनिफिशियल है, जिससे इवन आप जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसके लिए भी अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो डैट्स वाई आई हैव सेलेक्टेड दिस बुक फॉर माई ग्रामर कोर्स। तो आज का जो हमारा मतलब लेक्चर है, चैप्टर फर्स्ट सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, फिर चैप्टर 2 की तरफ जाएंगे। तो देखें, मैं आपको रिव्यू किया करूँगा इन चैप्टर्स का और फिर एक्सरसाइज भी हम जो है वो सॉल्व करेंगे, डिस्कशन आवर्स में जो है वो डिस्कस भी करेंगे और आपको मैं काम भी दूंगा, आपने इसको सॉल्व भी करना होगा। तो एनीवेज पहला जो चैप्टर है इसमें अगेन आई से वो है सेंटेंस एंड इट्स टाइप्स, कि सेंटेंस क्यों होती हैं और इसके टाइप्स क्यों होती हैं। बहुत आसान सा टॉपिक है ये। देखें, मैं बेसिक्स से स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि कुछ ऐसे लर्नर्स भी हैं जिनको बेसिक्स नहीं आती, तो किताब की जो अरेंजमेंट है वो भी ऐसी है, फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स की तरफ मूव करेगी ये। पहले हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, फिर इसको हम अप्लाई करेंगे और इंशाल्लाह यू विल बी एबल टू गेट ऑल द ग्रामेटिकल आइडियाज़ आफ्टर कंप्लीटिंग द टोटल कोर्स ऑफ दिस बुक। इंशाल्लाह आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप फिर इस किताब को जो है वो बेटरली तौर पे आप अंडरस्टूड करने के बाद आप ग्रामर में इंशाल्लाह कभी भी जो है वो मार नहीं खाएंगे। एनीवेज तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है सेंटेंस क्यों होता है। तो बहुत आसान है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं ये, जब लफ्ज़ मिलते हैं तो क्या बनता है, सेंटेंस बनता है। लेकिन याद रखें कि हर कलेक्शन ऑफ वर्ड्स को हम सेंटेंस नहीं कह सकते। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर बोलता हूँ कि इन द कॉर्नर, ठीक है, इन द कॉर्नर, जिसको हम आम प्रोनाउंसिएशन में कहते हैं इन द कॉर्नर, तो मैं कहता हूँ कोने में, तो अब ये सेंटेंस नहीं है। देखिए, इसमें सेंस है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं है। तो याद रखें कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना ही काफ़ी नहीं है सेंटेंस के लिए, इसके लिए कंप्लीट सेंस का होना भी ज़रूरी है। अगर कंप्लीट सेंस होगा तो तभी हम उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को क्या कहेंगे, सेंटेंस कहेंगे। तो मेक इट वेरी क्लियर दिस नोट, ऑफ कोर्स नोट कर लें इस पॉइंट को, कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स को खाली सेंटेंस नहीं कह सकते। अगर कंप्लीट सेंस दे रहा होगा ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो हम उसको क्या कहेंगे, सेंटेंस। सो देयर आर टू कंडीशंस फॉर द डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस, कि फर्स्ट ऑफ ऑल द सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। दूसरा, इट हैज़ कंप्लीट सेंस, इसके अंदर क्या होता है, कंप्लीट सेंस होता है। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि अ बॉय वॉज स्टैंडिंग इन द कॉर्नर, कि एक लड़का जो है वो कोने में खड़ा है, अब ये कंप्लीट सेंस दे रहा है। अगर मैंने इन द कॉर्नर कहा था तो इट वॉज नॉट एक्चुअली गिविंग द कंप्लीट सेंस, इनकम्प्लीट सेंस मौजूद था लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं था। तो सेंटेंस के लिए 2 क्राइटेरियन आपने माइंड में रखने हैं, कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, दूसरा कंप्लीट सेंस होता है। अच्छा, यहाँ पे एक मज़े की आपको बात बताता हूँ कि बाज़ ऐसे सेंटेंस में जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी नहीं है। देखिए, मैंने यहाँ पर इंटरेस्टिंग एक फिक्र लिखा है जो इंग्लिश का सबसे छोटा फिक्र है, गो। अब गो, अगर फॉर एग्जाम्पल आप किसी को कहते हैं गो, तो ये आप पूरे एक सेंटेंस बोल रहे हैं जिसमें यू जो है वो इम्प्लाइड है, जिसे आप बोल रहे हैं लिखा नहीं जा रहा हो। तो इवन ये एक सिंगल वर्ड से बना हुआ सेंटेंस है, तो दैट इज़ द स्मॉलेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज सेंटेंस, गो। तो देखिए, अभी यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स अपरेंटली हमें नज़र नहीं आ रहा, तो इसलिए डेफिनेशन में हम एक सिंगल वर्ड भी कह सकते हैं इन सम एक्सेप्शनल केसेस। तो ये मैं आपके साथ वैसे शेयर किया है, इट्स इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, कि एक वर्ड से भी सेंटेंस जो है वो बन जाता है, इस तरह 2 से भी बन जाते हैं, जैसे आई एम। अब ये 2 वर्ड से क्या बना है, सेंटेंस बन गई है। तो
सेंटेंस के लिए क्या होगा, सेंटेंस के लिए कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा और कंप्लीट सेंस होगा। अब इसमें कुछ फिकरात रैंडन मार्टन की बुक में लिखे हुए हैं, जैसे लिटिल जैक हॉर्नर, ये नेम है कंप्लीट, लिटिल जैक हॉर्नर सैट इन अ कॉर्नर, कि वो कॉर्नर के अंदर जो है वो बैठा हुआ है, इस तरह आई एम। इसी तरह बारोड गारमेंट्स नेवर फिट वेल, कि जो मांगे हुए कपड़े होते हैं वो कभी पूरे नहीं आते सही। और इस तरह नेक्स्ट जो फिक्र है बैड हैबिट्स ग्रो अनकॉन्शियसली, कि जो बुरी आदतें होती हैं वो लाशोरी तौर पे ग्रो करती हैं, बढ़ती हैं। तो ये थी सेंटेंस की डेफिनेशन। उसके बाद इसकी चार टाइप्स जो हैं वो दी गई हैं इस बुक में रैंडन मार्टन की किताब में, डेक्लेरेटिव है, इंपेरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है और इंटरोगेटिव है। तो वन बाई वन हम इसको देखते हैं। पहले डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस वो होती हैं जिनमें कोई स्टेटमेंट्स या असर्शन होती है, मतलब ये पॉजिटिव या नेगेटिव जो सेंटेंसेस होती हैं उनको डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं, फुल स्टॉप पे ख़त्म होते हैं, ये इसको पीरियड भी कहते हैं फुल स्टॉप को, इस पे ख़त्म होंगे। सादे जो फिकरात होते हैं ये मनफी भी हो सकते हैं, याद रखना, ये मस्बत या पॉजिटिव भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द डॉग इन द नेबर्स यार्ड इज़ बॉकिंग, के हमसाए के सहन के अंदर जो है वो कुत्ता बोल रहा है, तो एक डेक्लेरेटिव एक फैक्ट बता रहा है, एक स्टेटमेंट बता रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, डेक्लेरेटिव सेंटेंस कहेंगे। इस तरह हम्प्टी डम्प्टी सेट ऑन अ वॉल, ये भी क्या है, एक पोइम का ये आपको पता है लाइन है, तो ये भी एक डेक्लेरेटिव सेंटेंस है। तो डेक्लेरेटिव सेंस में सेंटेंस की दो बातें आपने याद रखनी है कि इसमें एक तो स्टेटमेंट होती है, स्टेटमेंट पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी। ये ऐसे भी हो सकता है डॉग इज़ नॉट बार्किंग, तो ये भी डेक्लेरेटिव सेंटेंस होगा। दूसरा आपने इसमें ये याद रखना है कि ये किस पे, इसको जब कंप्लीट करते हैं फिक्र लिखते हैं हम, तो इसके एंड पे हम फुल स्टॉप लिखते वक्त जो है वो लगाते हैं, ठीक है। तो ये बात भी आपने जो है वो याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट जो टाइप ऑफ सेंटेंस है वो इंपेरेटिव है, हुक्मी होती हैं, बिल्कुल सिंपल, इसमें कमांड या पोलाइट रिक्वेस्ट या एंटिटीज़ होती हैं। एंटिटीज़ क्यों होती हैं, हम्बल रिक्वेस्ट को कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको फिक्र बोलता हूँ कि द किंग टर्नड अ डेफ ईयर टू माई एंटिटीज़, के बादशाह ने मेरी हम्बल रिक्वेस्ट को ना सुना, तो एंटिटीज़ का मतलब हम्बल रिक्वेस्ट होता है। तो इसको इंपेरेटिव में ऑर्डर भी आएगा, रिक्वेस्ट भी आ जाती है। तो इन तमाम फिकरात को पॉजिटिव में भी हो सकते हैं, ये नेगेटिव में भी हो सकती हैं। जैसे आप कहते हैं बी क्वाइट, एक ऑर्डर है, प्लीज़ बी क्वाइट, बी क्वाइट, ये क्या है, एक अब रिक्वेस्ट बन गई है। इस तरह आप कैसे डू नॉट बी क्वाइट, खामोश मत तो, अब ये नेगेटिव में भी है। इस तरह एक फिक्र लिखो हैव मर्सी अपॉन अस, हम पे रहम करो, ये भी एक अपोलोजाइजिंग मैनर है, रिक्वेस्ट है, तो ये भी इंपेरेटिव है। गेट आउट ऑफ माई वे, मेरी नज़रों से दूर चले जाओ। अब यहाँ पे एक बात नोट करें आप कि इंपेरेटिव सेंटेंस में फुल स्टॉप तो आ ही आ रहा है, ये समटाइम्स एक्सक्लेमेशन मार्क भी आ जाता है। ये पॉइंट नोट करें आप कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस के एंड पे फुल स्टॉप भी आ सकता है और इसके साथ साथ इन ये एक्सक्लेमेशन मार्क भी आ सकता है। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक ऑर्डर भी दे रहा है कि गेट आउट ऑफ माई वे, और ये सडन भी कह रहा है। देखो आप जब किसी को गुस्सा होते हैं सडन आपकी एक फीलिंग क्रिएट होती है और आप कहते हैं गेट आउट ऑफ माई वे, तो यहाँ पे ये दोनों का मिक्सचर बन गया है, एक्सक्लेमेशन भी है इसमें और इम्पेरेटिवनेस भी है। तो इसलिए इसको लिखते वक्त हम इम्पेरेटिव कहेंगे लेकिन साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यहाँ पे लगा देंगे। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपने कि इम्पेरेटिव में आपने सिंपली याद रखना है कि ये रिक्वेस्ट या कमांड ऑर्डर, इस तरह के जो पैटर्न के फिक्रे होंगे वो क्या होंगे, इम्पेरेटिव होंगे। इस तरह फिर नेक्स्ट आपने देखना है एक्सक्लेमेटरी, वो सडन फीलिंग्स, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स के जो फिक्रे होती हैं, खुशी के भी हो सकती हैं, दुख के भी हो सकते हैं, ये एक्सक्लेमेशन मार्क पे ख़त्म होंगे। मसलन द हाउस इज़ ऑन फायर, अब एकदम से आग देखी, आग लगी हुई है घर को, तो सडन एक फिक्र मुँह से निकला द हाउस इज़ ऑन फायर, या व्हाट अ शेम, शर्म आनी चाहिए, तो ये भी क्या एक्सक्लेमेटरी है। या हाउ कोल्ड द नाइट इज़, कितनी सर्द रात है, तो ये सडन फीलिंग्स होती हैं उसको हम क्या कहेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहेंगे। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में सडन फीलिंग्स जो हैं वो मोस्टली जो एक्सप्रेस की जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम मूव करें तो नेक्स्ट जो है वो फिक्र है इंटरोगेटिव, बिल्कुल सिंपल है, ये क्वेश्चन मार्क वाले होती हैं जिसमें एक स्टेटमेंट दी जाती है जो क्वेश्चन फॉर्म में होती है, मतलब व्हाट्स योर नेम, इज इट रेनिंग आउटसाइड, या वेयर डू यू लिव, तो इस तरह के फिक्रात क्या होंगे, इंटरोगेटिव होंगे। तो बहुत आसान था, आई फर्स्ट ऑफ अगेन गिव यू द रिव्यू ऑफ दीज फोर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज। फर्स्ट चैप्टर में कुछ भी नहीं है, हाफ पेज का ये चैप्टर है। इसमें आपको सेंटेंस की डेफिनेशन, जिसमें आपको दो पॉइंट बताए हैं, पहला पॉइंट ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, कंप्लीट सेंस होता है। उसके बाद आपको डेक्लेरेटिव सेंटेंस जो है उसके बारे में बताया कि पॉजिटिव स्टेटमेंट होती है, ठीक है, उसमें फुल स्टॉप लास्ट पे आता है। उसके बाद फिर आपको बताया कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्यों होते हैं जिनमें क्वेश्चन मार्क होता है, ठीक है। इसके बाद इंपेरेटिव कौन सी, जिसमें हुक्मी होती हैं, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, इसमें फुल स्टॉप भी आ सकता है, एक्सक्लेमेशन मार्क भी आ सकता है। फिर इस तरह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज होते हैं जिनमें सडन फीलिंग या स्ट्रॉन्ग फीलिंग जो है वो पाई जाती है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द फर्स्ट चैप्टर। सो अगेन आई से kindly share my channel, subscribe my channel, and of course
कम्युनिकेट दिस चैनल लिंक टू अदर्स। उसके बाद चैप्टर टू की तरफ आप मूव करते हैं। तो चैप्टर टू जो इस बुक में है वो है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में। बहुत आसान चैप्टर्स हैं स्टार्ट के, क्योंकि वो हमें एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लेके मूव कर रहा है। बेसिक से स्टार्ट उसने की है। और आपको एक और बात बता दूँ कि जो लास्ट चैप्टर आपने फर्स्ट चैप्टर यानी पढ़ा है, उसमें सेंटेंसेस की जो टाइप पढ़ी है फंक्शन के लिहाज से, आगे आप जब मूव करेंगे आप स्ट्रक्चर के लिहाज से भी किस में पढ़ेंगे वो अलग होती हैं। जैसे सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ये स्ट्रक्चर के लिहाज से हैं। अभी हमने जो चार तरह के सेंटेंसेस पढ़े हैं, डिक्लेरेटिव है, इंटरोगेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, इंपेरेटिव है, ये फंक्शन के लिहाज से हैं। तो एनीवेज अब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बिल्कुल आसान है कि सब्जेक्ट क्यों होता है, डूअर होता है, जिसके बारे में कोई बात कही हुई होती है फिक्रे में। मसलन हम एक फिक्रा बोलते हैं कि यू आर अ लायर। अब इसमें यू मैंने कैपिटल लिखा है, तो यू क्या है, सब्जेक्ट है, और आर अ लायर जो यू के बारे में बात है उसको हम प्रिडिकेट कहते हैं। यानी अगर आप सब्जेक्ट को काट दें, फिक्रे का जो रिमेनिंग पार्ट होगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम प्रिडिकेट कहेंगे। तो प्रिडिकेट क्या होता है, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस बिसाइड्स सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अलावा जो रिमेनिंग पार्ट है, जैसे यहाँ पे आर अ लायर है, ये प्रिडिकेट है। और सब्जेक्ट क्या है, जो डूअर है, ये जो काम करने वाला है। इसी तरह एडिसन इन्वेंटेड द बल्ब है, तो एडिसन क्या है, ये सब्जेक्ट है, और इन्वेंटेड द बल्ब क्या है, ये प्रिडिकेट है। ठीक है, तो ये प्रिडिकेट की डेफिनेशन इसमें अगेन मैंने दे दी है कि प्रिडिकेट के होता है दो के फिक्रे के अंदर वो पार्ट जो सब्जेक्ट के बारे में बता रहा होता है कोई बात, उसको हम क्या कहते हैं, प्रिडिकेट कहते हैं। अब इसमें जैसे आर नॉट पेइंग अटेंशन, ये प्रिडिकेट है। यू क्या है, सब्जेक्ट है। इस तरह कैन सर्व टू मास्टर्स, एक आदमी एट अ टाइम दो का गुलाम नहीं हो सकता, उसके दो आका नहीं हो सकते, ऑफकोर्स कन्फ्यूज हो जाएगा जैसे पिक में दिखाया गया। तो ये जो नो मैन है, अब यहाँ पे दो वर्ड वाला सब्जेक्ट है, ये नोट कर लें काइंडली, कि सब्जेक्ट दो वर्ड पे भी हो सकता है, दो से ज्यादा वर्ड पे भी हो सकता है। तो नो मैन कंप्लीट जो है एक सब्जेक्ट है, और कैन सर्व टू मास्टर्स क्या है, ये प्रिडिकेट है। तो जो काम करने वाला है, जिसके बारे में बात की जा रही है, वो सब्जेक्ट है, और जो बात की जा रही है वो प्रिडिकेट है। इसी तरह जो है फिर ये दो पॉइंट्स आपने रिमेंबर रखने हैं, याद रखने हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के हवाले से, कि सब्जेक्ट मोस्टली स्टार्ट में आता है, लेकिन अब बाज़ औकात फिक्रात में प्रेडिकेट पहले आ जाता है। जैसे देखें हेयर कम्स द बस, अब इस फिक्रे में हेयर कम्स जो है ये प्रेडिकेट है, लेकिन स्टार्ट में आया हुआ है, और द बस जो है वो सब्जेक्ट एंड पे चला गया है। तो इट्स नॉट एसेंशियल कि सब्जेक्ट जो है वो शुरू में ही आए, ऐसे भी हो सकता है द बस कम्स हेयर, तो द बस स्टार्ट में आएगा, सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे एंड पे चला गया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सब्जेक्ट से पहले भी प्रेडिकेट आ सकता है। इस तरह एक और जैसे फिक्र लिखा है, स्वीट्स आर द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी। अब यूजेज ऑफ एडवर्सिटी आर स्वीट, ऐसे अगर फिक्र होता तो यूजेज ऑफ एडवर्सिटी यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है, और आर स्वीट प्रेडिकेट है, तो यहाँ पे प्रेडिकेट शुरू में आ गया। इसी तरह एक और आपको यहाँ पे पॉइंट बताया गया, एक पॉइंट तो था कि सेंटेंस में बाज़ औक़ात सब्जेक्ट से पहले प्रेडिकेट आ जाता है। दूसरा, जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेज होती हैं इनमें सब्जेक्ट होता ही नहीं है, सिर्फ प्रेडिकेट पे मुश्तमिल होते हैं, ये डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से स्टार्ट होते हैं। जैसे सिट डाउन, ठीक है, अब इसमें यू इम्प्लाइड मौजूद है, हिडन तौर पे मौजूद है, तो सिट डाउन में ये सारे का सारा प्रेडिकेट है। थैंक हिम, अच्छा ये थैंक हिम जो है ये भी प्रेडिकेट है, तो यहाँ भी इससे मुराद यू ही होगा जो नहीं लिखा गया। तो इस तरह दो बातें आपने यहाँ पर सीखी कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो होते हैं, दीज आर द बेसिक टू पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। ये बेसिक पार्ट होते हैं सेंटेंस के, जो अबाउट विच द एक्चुअली सेंटेंस इज रिटन, जिसके बारे में लिखा जाता है सेंटेंस, स्टेटमेंट दी जाती है जिसके बारे में, उसको सब्जेक्ट कहते हैं, और जो स्टेटमेंट दी जाती है उसको प्रेडिकेट कहते हैं। फिर आपको दो बातें बताई कि बाज़ औक़ात सब्जेक्ट से पहले प्रेडिकेट आ जाता है, और बाज़ औक़ात सब्जेक्ट होता ही नहीं है, प्रेडिकेट से ही फिक्रा बन होता है, जैसे इंपेरेटिव्स में। ठीक है, तो ये बिल्कुल आसान से दो चैप्टर थे। इसकी फिर ये जो है एक्सरसाइज दी हुई है स्क्रीन पे आपके सामने, तो इंशाल्लाह इसको जो है वो हम डिस्कस करेंगे किसमें, अपने क्वेश्चन सेशन में, जिसमें मैं आपको क्वेश्चन सेशन के अंदर जो है जो हम डिस्कशन आवर जो है जब हम 10 to 11 आज हम जब करेंगे, तो इस एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे। इसमें से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को जो है वो हम निकालेंगे हर फिक्रे में अलग अलग से, कि इसमें सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। तो आपका काम ये है कि आप इतनी बेसिक से एक लेक्चर सुना है जो आपने, कि आपने बेसिकली दो बातें सीखी, सेंटेंस क्या होता है, उसकी टाइप्स चार कौन सी होती हैं, और पहला चैप्टर ये था रैंडन मार्टिन की बुक में, और दूसरा चैप्टर था कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होते हैं, उनको डिफरेंशिएट करें। तो आपने ये एक्सरसाइज जो है वो आप ट्राई करें 10 बजे तक आप इस वीडियो को सुनने के बाद, ताकि फिर जो है वो हम मिल के जो है इसको सॉल्व करेंगे, शेयर करेंगे,
और इंशाल्लाह वी विल हैव अ नाइस टाइम। तो इंशाल्लाह उस वक्त मैं आपको लव भी कर दूंगा, ग्रुप में आप मैसेज कर पाएंगे। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड ऑफ कोर्स फॉर द नेक्स्ट वीडियोस एंड ट्राई टू ऑफ कोर्स थैंक्स अगेन एंड ट्राई टू सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट यू कैन गेट द वीडियोस ऑन टाइम। थैंक यू सो मच।